अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, और इससे मेरी आने वाली हर नई रेसिपी और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? कुकिंग टिप्स में खुश आमदीद। तो आज मैं अपने चैनल पे आपको बताने जा रही हूँ ब्रेड क्रम्स, जो कि तीन टाइप्स के होंगे, क्योंकि हमारी आने वाली नेक्स्ट कुछ वीडियोस और कुछ रेसिपीज़ ब्रेड क्रम्स पे बेस्ड होंगी। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड लिए, तो सबसे पहले इसकी साइड्स जो हैं वो कट कर लेंगे। और ये ब्रेड क्रम्स तीन टाइप्स के होंगे, वाइट, ब्राउन और ऑरेंज। तो सबसे पहले हम इनकी जो साइड्स हैं वो अलग करेंगे। इसकी साइड्स में रख कर लूँगी। ये देखें, मैंने वाइट वाला हिस्सा अलग कर लिया और ब्राउन वाला हिस्सा अलग कर लिया। इसके वाइट क्रम्स बनेंगे और इसके ब्राउन क्रम्स बनेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सी लेंगे, उसमें जो ब्राउन वाले हैं पहले हम ये बनाते हैं। मैंने अब इसमें डाल दिए, बंद करेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे। ब्राउन वाले हमने ब्रेड क्रम्स बना लिया, अब हम वाइट वाला जो पोर्शन है अब उसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो ब्रेड के साइड्स के जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे ये वो वाले हैं, और ये वाले वो वाले ब्रेड क्रम्स है जो हमने वाइट वाला पोर्शन यूज़ किया था। मतलब ये जो मीट वाला पोर्शन था ये उसके ब्रेड क्रम्स है, और जो ब्रेड की साइड्स थी हमने अलग की, ये उनके ब्रेड क्रम्स हैं। ये देखें, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखना है। इसके बाद हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाए हैं ब्राउन वाले, सबसे पहले हम उनको फ्राई करेंगे। देखिए मैं आपको वो वाला मेथड बता रही हूँ जिसमें आप 5 मिनट में अपने ब्रेड क्रम्स घर पर ईजीली अब बना सकते हैं। देखें ये ब्रेड क्रम्स डालें, अब आहिस्ता आहिस्ता इनको हिलाते जाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम आपने हाई नहीं करनी वरना आपके ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे। इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, आपने फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी। जितनी लो फ्लेम पे रखेंगे आपके ब्रेड क्रम्स उतने क्रंची बनेंगे। देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे ब्राउन ब्रेड क्रम्स क्रंची हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, बस हमने इतना ही इनको क्रंची रखना है, बस 5 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। तो ये बहुत ही मज़े के आपके क्रंची से ब्रेड क्रम्स रेडी हैं, वो भी जस्ट 5 मिनट में। ब्राउन वाले ब्रेड क्रम्स हमने फ्राई कर लिए हैं, अब इसी फ्राइंग पैन में मैं वाइट वाले भी करूँगी। इसको भी सेम उसी मेथड के साथ हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, फिर आपको बताते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, ये हमारे वाइट ब्रेड क्रम्स हैं, ये देखेंगे कितने क्रंची बन गए हैं। बस हमने इनको 5 मिनट तक ही बस हमने इनको फ्राई करना था। ये वाले वाइट ब्रेड क्रम्स हैं जो अभी हमने आपके सामने फ्राई किए हैं, और ये ब्राउन ब्रेड क्रम्स हैं ये जो अभी हमने आपके सामने फ्राई किए हैं, वाइट ब्रेड क्रम्स और ब्राउन ब्रेड क्रम्स। अब हम चलते हैं ऑरेंज ब्रेड क्रम्स की तरफ। तो ऑरेंज ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये वाइट ब्रेड क्रम्स हैं जिनको भी मैंने फ्राई नहीं किया, और ये थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, आप जितना लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो ऑरेंज ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ये ब्रेड क्रम्स लेंगे, इनमें ये कलर डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें ये हमने जो ऑरेंज फूड कलर इसमें डाला था ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इनको भी फ्राई करेंगे इनको लेंगे। इसमें जो हमने ऑरेंज फूड कलर में जो ब्रेड क्रम्स मिक्स किए गए थे वो डालेंगे। अब हम इनको 5 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे सेम उसी मेथड के साथ जैसे हमने वाइट और ब्राउन ब्रेड क्रम्स रेडी किए हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे ऑरेंज ब्रेड क्रम्स रेडी हैं। ये देखिए ये कितने क्रंची क्रंची से दिख रहे हैं, बस हमने इनको इतना ही फ्राई करना है, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ये वरना ये जल जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा कलर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा ऑरेंज चाहती हैं तो ज़्यादा कलर ऐड कर सकते हैं।
तो तैयार हैं हमारे तीन टाइप्स के ब्रेड क्रम्स, पहले वाले वाइट ब्रेड क्रम्स, ब्राउन ब्रेड क्रम्स और ये वाले ऑरेंज ब्रेड क्रम्स। जो वाइट वाले ब्रेड क्रम्स हैं ये फिलिंग में यूज़ होते हैं, मतलब अगर आप कटलेट्स वगैरह बना रहे हैं तो ये उसकी फिलिंग में यूज़ होंगे। ब्राउन वाले ब्रेड क्रम्स कबाब और कटलेट्स के लिए यूज़ होंगे। और ऑरेंज कलर के जो ब्रेड क्रम्स हैं ये स्पेशली नगट्स के लिए यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर नगट्स जो हैं उन पर बहुत अच्छा सा कलर आया होता है, तो वो जस्ट इस वजह से कि वो ये वाले ब्रेड क्रम्स यूज़ करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।